कोर कमिटीची बैठक झाली, होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्याच्यामध्ये अनेक विषयांवर चर्चा झाली। जसं मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की 16 आणि 17 लोणावळ्याचं एक महत्त्वपूर्ण 2 दिवसाचं शिबिर आहे, तिथे आपल्याला सुद्धा इन्व्हिटेशन आम्ही आजच दिलेलं आहे। त्या सर्व संदर्भात चर्चा झाली। आज या प्रेस कॉन्फरन्सला माझे सहकारी राजू वाघमारेजी, ऑर्गनायझेशन उपाध्यक्ष, संघटन उपाध्यक्ष सन्माननीय नाना गावंडेजी, माजी मंत्री अनिल सैमतजी, पक्षाचे उपाध्यक्ष संजय राठोडजी या प्रेस कॉन्फरन्सला उपस्थित आहे। मैं कहता हूँ इंचार्ज महाराष्ट्र चंगीतला सर से कि वो आपको संबोधित करें। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं का बैठक हुआ और पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ कार्यक्रम का भी तय किए। आज लेवेंट ऑर्डर सिचुएशन महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत होते जा रही है। गुंडे और आपस में की जो लड़ाई और लोगों को ऊपर जो शूटिंग ऑफ द पीपल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। जो बोलते हैं तो वे बुरी तरह इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर रहे हैं। होम मिनिस्टर के क्या काम है, मैं भी होम मिनिस्टर था। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बचा के रहने का उनका काम है ये। लेकिन महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब होते जा रही, इसका कारण होम मिनिस्टर है, सरकार है, होम मिनिस्ट्री को चलाने नहीं आते, हर चीज को पॉलिटिकलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को पॉलिटिकलाइज करते तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और हर पुलिस कर्मचारियों को पॉलिटिकलाइज करके वो निगमी बना दिया है। इसके वजह से अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो ऊपर कड़ी सजा नहीं देने के लिए कोई तैयार नहीं, इसके वजह से ये बुरी हालत होते जा रहे हैं। इसको आप लोग कंडम करते हैं और प्रदेश की जो हालात को देख करके कल हमारे पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दी है। पता नहीं गवर्नर साहब कुछ कदम उठाएगा या नहीं उठाएगा, लेकिन प्रजातंत्र में हमारे जिम्मेदारी बनते हैं लोगों की आवाज। सरकार नहीं सुनते तो गवर्नर साहब के पास जाना हमारे फर्ज बनते हैं। हम लोगों का विश्वास है कि गवर्नर साहब कुछ कहीं कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हमारे गृह मंत्री ने क्या बोला, कुत्ता मर गया तो भी मुझे मेरा इस्तीफा मांगते हैं। क्या ऐसा बोलना ठीक है? इतना मृत्यु हुआ, इतना किलिंग्स हुआ, क्या गृह मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना अच्छा है या नहीं? कल और पुणे में फायरिंग हो गया, नागपुर में मर्डर हो रहे, बॉम्बे में हो रहे, क्या इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री लोगों को आंसर देने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? ये इसके वजह से लोगों में भय है और इसको काबू करने के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा रही। हम लोग जानते हैं कि सरकार निगमी है, इस सरकार में से कोई उम्मीद लोगों को नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हुए है, इनको जनता के बारे में सोचने के समय नहीं है।
इनको जनता के वेलफेयर के लिए कोई काम करने का समय नहीं है, केवल दल बदलने का, डरने का, लोगों को डराने का, ईडी और सीबीआई को लगाने का काम ही ये सरकार कर रहे हैं। ये सरकार जनता ने नहीं चुना है, ईडी और सीबीआई की सरकार है। इसके खिलाफ हमारे प्रदेश के लोगों के मन में घृणा है, जब मौका मिलेगा वो लोग उसको प्रकट करेगा। जैसे कर्नाटक में ईडी और सीबीआई का सरकार था, मौका पे लोग उसको डिफिटिंग रिप्लाई दिया था, बीजेपी को हरा के कांग्रेस को भारी बहुमत देकर के सरकार में बिठा दिया। यही हाल होगा बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में। आने वाले दिनों में हमने ये जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे 6 डिवीजन में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाए, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तक, जो हमारे नेता, उनसे हम लोग बात की है। इसके बाद अभी हमने 16 और 17 को लोनावाला में प्रदेश स्तर का एक शिविर की आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऑनलाइन पे इसको उद्घाटन करेगा। हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कांग्रेस नेता उसमें शामिल हो जाएगा। कुल मिलकर के 350 हमारे नेता क्या मैं शिविर में शामिल होंगे। वो शिविर हमारे आने वाले चुनाव के नीतियों के बारे में और हमारे उसके विजयी प्राप्त होने के लिए, महाविकास आघाड़ी को विजय प्राप्त होने के लिए जो भी कार्यक्रम अपनाना है उसका तय करेगा। ये 2 दिन की शिविर 10 दिनों के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की है, उसके कार्यक्रम में आप लोगों को भी निमंत्रण हम देने वाले हैं, दे दिया है, आपको भी आना है। और हमको विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी इस पार्लियामेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा में विजय प्राप्त हो जाएंगे। और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद असेंबली के चुनाव में भी हमारे सरकार बनने का बनाने का सपोर्ट आम लोग महाराष्ट्र में हम लोगों को देगा, ये हमारा उम्मीद। सर आज अभी भी राज्यसभा का शीट सेलिंग का जो मायना है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है लोकसभा का, और उसके बाद आगामी निवडणूक जो भी आएगी, चुनाव आएगा, उस पे कैसे देखते हो फिर आप, कैसे सीट शेयरिंग होगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग की बात अच्छे से चल रहा है। हमने दिल्ली में 1 बार बैठक हुआ, महाराष्ट्र में 2 बार हुआ, और 15 तारीख के बाद 1 बार और इधर चर्चा करके उसको फाइनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से चल रहे सारे चीज, जल्दी से जल्दी हमारा टिकट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपको आपके सामने पेश करेंगे। सर किस वजह से देरी हो रही है? 4 मीटिंग हुई, आधा फरवरी लगभग खत्म हो गया है, कहाँ प्रॉब्लम है, कितने सीटों पर विवाद है? कोई विवाद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सीट के अलावा भी बहुत सारे मैनिफेस्टो के ऊपर बात करना है और नीतियों के बारे में भी बात करना है, इसलिए समय ले रहे हैं। वो एक और सीटिंग के बाद ये सब हो जाएगा। कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि आप लोग की ताकत ऐसा आपके नेता कहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है मिल जाएगा बैठक में बातचीत? देखिए, एक महाविकास आघाड़ी एक अलायंस है, अलायंस में हम लोग आपस में बात करके इस पर तय करेंगे, लेकिन कोई कठिनाई इस पर नहीं। केजरीवाल जी ने कहा है कि वो सोलो लड़ेंगे, इंडिया अलायंस में विभिन्न प्रदेश में विभिन्न परिस्थिति विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक परिस्थिति होते हैं। कुछ जगहों पे आफ्टर इलेक्शन ही होगा वो इंडिया अलायंस, ये भी हो सकता है।
से इस पर कोई टूट फूट की बात नहीं है। इंडिया अलायंस एक है, हमारे इंडिया अलायंस के नेतृत्व में नई सरकार बनने का उम्मीद है, हम लोग उस पर सक्सेसफुल रहे। इसलिए बीजेपी तो डरता है, इसलिए बीजेपी अभी भी लोगों को तोड़ने का काम चल रहा है, चला रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि एमवीए में सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं है, चीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर चर्चा हो रही है, अभी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन उत्तर मुंबई को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां पर आप ही के एक नेता हैं, वो दावा ठोक रहे हैं, शिवसेना की तरफ से दावा ठोका जा रहा है कि हमारे नेता वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके नेता हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, देखिए हर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने सीट को मांगना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर पार्टी के नेता इसके बारे में अपना ओपिनियन व्यक्त करता है, लेकिन पार्टी जब डिसीजन लेता है सारे उसके साथ रहते हैं। तो संजय निरुपम वाली जो सर जो सीट है, जो इनका सवाल है उसके ऊपर आगे बढ़ता हूँ। संजय निरुपम की जो सीट है नॉर्थ उत्तर पश्चिम की, क्या वो ये ठाकरे सेना को दे दी जाएगी या आप लोग अभी भी फॉर्म है को आपको मिलनी चाहिए? देखिए मैं आपको बताया कि गोंडे के सीट के ऊपर अभी डिस्कशन बाकी है, अभी तक उसमें फाइनलाइज नहीं किया है कुछ महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आने वाले दिनों में पूरा 48 सीट के ऊपर निर्णय करेगा और आपके सामने। एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, मुंबई से ही पिछले कुछ दिनों में दो बड़े नाम पार्टी बदल चुके हैं, इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड और कांग्रेस इसको लेकर कुछ क्या रणनीति है? हम लोग पार्टी में कैसे रहते हैं, सबके लिए नहीं है, सबके के ऊपर नहीं है, हम पार्टी में एक विचारधारा को लेकर के पार्टी में विश्वास करते हैं। जिसके पास विचारधारा नहीं है, जिसको कांग्रेस के 40 साल 25 साल कांग्रेस में रह करके एक दिन पार्टी छोड़ के जाते तो उनका काम है, लेकिन उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा। आज ईडी और सीबीआई के द्वारा जो प्रेशर कर रहे हैं, कुछ लोगों प्रेशर को सक्षम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रमेश जी अभी दो पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसी के आगे ही कड़ी बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मुंबई की सीटों का लेकिन हम जल्दी आखिरी निर्णय लेंगे, लेकिन आज सुबह संजय राउत ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो गजानन कीर्तिकर जो मौजूदा शिवसेना के सांसद एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्री गुट के, उसी क्षेत्र से संजय निरुपम लगातार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आज भी जोगेश्वरी इलाके में उनकी रैली है। उत्तर आपको दे दिया है, हर पार्टी का नेता और हर कार्यकर्ता अपना सीट अपने पार्टी के लिए मानते हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी का निर्णय होगा सारे लोगों के साथ का नहीं, तो आपके नेता नहीं मान रहे तो इस तरह से जंग देखी जा रही है अभी से ही? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो अपना मन की अपने जो भावना व्यक्त किया होगा, लेकिन हम लोग जब एक साथ बैठ के तय करेगा सारे लोग काम एक साथ काम करेंगे। एक और सवाल था कि जिस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र में गुंडा राज है, पुणे हो, नासिक हो, मुंबई शहर हो, गोलियां चल रही हैं, लोगों की मौत हो रही है। मेरा पटोड़े जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वर्षा जी मुंबई प्रदेश कांग्रेस मुंबई रीजन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ मिले, तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, उसका मॉडलिटी आने वाले दिनों में तय करें। उद्धव जी अगले महीने राहुल जी की यात्रा महाराष्ट्र में आ रही है, क्या उद्धव जी शामिल होंगे, पवार साहब शामिल, क्या उन्हें न्योता दिया गया है शामिल होने संदर्भ में? उनको इन्विटेशन दिया है, खारगे जी ने खुद इन्विटेशन सारे हमारे इंडिया अलायंस के नेता लोगों को चिट्ठी लिखा है, बात भी की है, मेरे ख्याल से वो लोग भी शामिल। इसमें प्रकाश अम्बेडकर का नाम है क्या? प्रकाश अम्बेडकर जी से मैंने खुद बात की है और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे तीन नेता लोग उनसे बात की है और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग के साथ बात की है, उनसे और डिस्कशन बाकी है। सर ऐसा कहा जा रहा है, एक जो ज्येष्ठ पत्रकार है उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस है या अपोजिशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखाई देता है, ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता, इस आरोप को कौन बोला है? जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना है, जो वरिष्ठ पत्रकार तो बीजेपी का पत्रकार होगा, आप देखिए कहीं भी जाके देखिए कांग्रेस में 6 डिवीजन में मीटिंग हुआ, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, नागपुर में देखिए कितना बड़ा रैली हुआ, और आने वाले दिनों में राहुल जी का प्रोग्राम आप देखिए,
आप गढ़चिरौली में देखे हर जगह पे आप देखिए, लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर पत्रकार है वो तो देख नहीं सकते क्या। रमेश जी जिस तरह से बात की है, अमित शाह ने सीए की बात की है लोकसभा के ठीक पहले, सीएए जो है वो लागू किया जाएगा, कैसे देखते हैं इस चीज को? ये चुनावी जो है वो रणनीति दिख रही है बीजेपी की। देखिए उसमें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड आप लोग जानते हैं पहले से, हमने ये किया तो आप जब जब चुनाव आते रहते हैं ये लोग इसी तरह का गिमिक करेंगे, ये सब गिमिक है। वो बिल पास करके कितना महीना हो गया, क्यों एक साल हो गया क्यों लागू नहीं किया? एनडीए में भी इसको बहुत सारे प्रदेश का बहुत सारे पार्टी सपोज किया है, लेकिन इस अभी क्यों लेके आ रहे? ये तो पॉलिटिकल गिमिक है, लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। रमेश जी इस तरह से भारत सरकार ने भी मतलब मोदी सरकार ने इस तरह से 3 लोगों को भारत रत्न दिया है, चौधरी जी को, नरसिम्हा राव जी को, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं राज ठाकरे, उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट में इशारा किया था कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदू प्रेरणा माने जाते हैं देश भर में विश्व प्रसिद्ध हैं, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। देखिए हम नरसिम्हा राव जी को, स्वामीनारायण जी को और चरण सिंह जी को और जो भारत रत्न दिया है इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वागत की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी ने भी उसको स्वागत की है, हमारे पार्टी उस पर स्वागत करती है। बाला साहब ठाकरे को क्या भारत रत्न दिया जाना चाहिए आपकी क्या सरकार? हमारे सरकार होते तो हम देश पे हमारे आप क्या बात है, नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए तो चुनाव के दरमियान में क्या क्या नहीं कर रहे सर, कुछ इलाकों वही पार्टी को छोड़ना छीनना है तो उसको उत्तराधिकारी को बुला करके उसके भारत रत्न देना है। आपकी गवर्नमेंट आएगी तो बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देखेंगे यार, सब सरकार आए तो बहुत कुछ करने वाले हैं। सर कुछ इलाकों कुछ इलाकों के समय में ऐसे करना उनका काम ही है, लोगों को जात के नाम पे धर्म के नाम पे डिबेट करने का कोशिश हर चुनाव के पहले बीजेपी करते रहते हैं। अभी देश के विभिन्न कोने में ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं उसका। राज्य में भी जब फुके की सरकार आई तो हिंदू की सरकार आई करके लिखा था इन लोगों ने, देश में भी हिंदू की सरकार आई कहा कि हिंदू की सरकार होने के बाद हिंदू में आक्रोश क्यों, हिंदू के नाम से सिर्फ वोट बटा हुआ, हिंदू को लूटा, हिंदू को बर्बाद किया, हिंदू के बच्चों को नौकरी से बात कर दिया, महंगाई बढ़ाकर उनको बर्बाद किया। स्वाभाविक है कि ये लोगों में ये बीजेपी के विरोध में आक्रोश है, यही उसमें लगता है क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार होने के बाद आपने देखा होगी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले जी जो अपने प्रोग्राम में जा रहे थे उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, और परमिशन नहीं दे रहे थे तो भी फिर लास्ट टाइम वो परमिशन का कुछ गड़बड़ हुआ, वो निकले तो उनके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और इन लोगों ने उल्टा पुलिस ने निखिल वागले और उनके साथियों के ऊपर 153 एक की धारा लगाए। ये क्या चल रहा है तमाशा, और फिर सरकार के विरोध में ही आक्रोश निकल रहा है हिंदुओं का, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं सरकार, इसका सवाल सरकार से पूछना चाहिए। और हमने तो वोट नहीं लगाए थे हिंदू की सरकार, हिंदू ही लगाए थे ना नाना। याला जोडून असा प्रश्न आहे की काल योगी आदित्यनाथ आळंदीत होते आणि त्यांनी म्हटलंय की रामदास स्वामींनी जसं शिवाजी महाराजांना मार्गदर्शन केलं तसंच गोविंदगिरी महाराज जे आहेत ते महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करतात। प्रत्येक वेळी निवडणुकीच्या वेळी हिंदू कार्ड किंवा साधू संतांचं कार्ड खेळलं जात असं काय का? एक बघा आता यांचं कुठलंही चाला नाही, हिंदू धर्माचे सगळ्या श्रेष्ठ शंकराचार्य आहेत, शंकराचार्यांनी ज्या पद्धतीनं भाजपच्या या काळ्या कर्तृत्वावर म्हणजे राम आपल्या देशातून बाहेर निघून गेले होते त्यांनी भगवान श्रीरामाला पकडून आणलं अशा पद्धतीचं जे वातावरण निर्माण केलं आणि त्यांचे विशिष्ट जो नेता आहे ज्याला आता ते जागतिक पातळीचे विश्वगुरू आहेत ते भगवान श्रीरामाचा बोट घेऊन ते पुढे नेतात, त्यांना मागे मागे ओढत आहेत,
अशा पद्धतीचं चित्र दाखवणं हे धर्मगुरूला आवडलंच नाही ना. काही या धर्माच्या विरोधात फक्त पाखंडी काही महाराज असतील तेच लोक यांना मान्यता देतील. पण जे हिंदू धर्माचे जे स्तंभ आहेत चार शंकराचार्य यांनी या सरकारच्या बद्दलच त्यांच्या कर्तृत्वाला नापास केलेला आहे. त्यांचा अविश्वास जो विश्वास होता त्या विश्वासाला यांनी ठेस पोहोचवण्याचं पाप केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे जे खरे साधू संत आहेत त्यांना बीजेपीचा मोठा राग आहे.